एक्चुअली हम लोग पुलिस कैंप में जा रहे थे, वर्ली पुलिस कैंप में, महालक्ष्मी तरफ से हम लोग आ रहे थे खाना लेके पार्सल। तो अभी वर्ली सिग्नल पे, वर्ली नाके पे हम लोग को एक गाड़ी ने बैश किया, मारुति स्पार्क करके गाड़ी थी। तो गाड़ी ने इतना ज़ोर से हिट किया, हम लोग एक्चुअली हवे में तैर रहे थे और बाद में रास्ते के ऊपर पटक के हम लोग की गाड़ी के दो टुकड़े हो गए बाइक के। और इतना ज़ोर से लगा पैर में, सिर में, और दोस्त का हड्डी पूरा क्रैक हो गया है, थाइस का। उसका कल सुबह सर्जरी है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लाया गया नायर हॉस्पिटल में। रात को हम लोग एक्चुअली अनकॉन्शियस थे, सुबह तक नायर हॉस्पिटल में। वहाँ पे किसी ने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह किया नहीं नायर हॉस्पिटल में। फिर होश में आने के बाद मैंने घर पे फ़ोन किया फैमिली में, फैमिली से। फिर मेरी मम्मी, सिस्टर वगैरह, ब्रदर आ गए और उन्होंने हम दोनों को यहाँ पे शिफ्ट किया भाईकला में बालाजी हॉस्पिटल में। और फिर यहाँ पे हम लोग दोनों का ट्रीटमेंट हुआ। गाड़ी कौन चला रहा था कुछ आपने देखा? गाड़ी कौन चला रहा था या कौन उसमें था? गाड़ी एक लेडीज चला रही थी और अंदर कुछ बैठे थे, दो शायद आदमी बैठे थे वो गाड़ी में। इतना ही देख, क्योंकि उसने बैश किया हम लोगों को। बाद में कुछ ये ही नहीं, सिर्फ कुछ सेकंड मिला देखने के लिए गाड़ी में, बस वही पिक्चर दिमाग में, बस बाकी कुछ नहीं। और आप लोगों में से कौन चला रहा था आज? कैसे कुछ आपने ड्रिंक करा हुआ था क्या? नहीं, ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं। हम लोग एक्चुअली चाइनीज पार्सल लेने आए थे, चाइनीज का बैग था हम लोग के हाथ में। और हम लोग घर के कुछ 2 मिनट दूरी के ऊपर थे, घर से 2 मिनट दूरी के ऊपर थे। तभी हम लोग जस्ट सिग्नल क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी इतना स्पीड में आई, हम लोग को चांस ही नहीं मिला। गाड़ी ने इतने ज़ोर से बैश किया, उसके बाद हम लोग कुछ याद ही नहीं। बस ओके।